अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पढ़यार टीवी। मैं हूं मुदस्सिर और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दुनिया के 10 सबसे तेज परिंदों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। चलें बगैर किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पे आता है कवासबेक। दोस्तों, कवासबेक नॉर्थ अमेरिका के मुल्कों में पाया जाता है और दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 73 माइल्स पर आवर होती है। नंबर 9 पे आता है ग्रे हेडेड एल्बेट्रोस। दोस्तों, ग्रे हेडेड एल्बेट्रोस अंटार्कटिका में पाया जाता है और दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो 78.9 माइल्स पर आवर होती है। नंबर 8 पे आता है रेड ब्रिस्टेड मर्गेंसर। रेड ब्रिस्टेड मर्गेंसर नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के मुल्कों में पाया जाता है और इसकी स्पीड तकरीबन 81 माइल्स पर आवर होती है। नंबर 7 पे आता है स्पर विंग गूस। दोस्तों, स्पर विंग गूस अफ्रीका के मुल्कों में पाया जाता है और दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 88 माइल्स पर आवर होती है। नंबर 6 पे आता है फ्रिगेट बर्ड। फ्रिगेट बर्ड साउथ अफ्रीका में पाया जाता है और दोस्तों इसकी स्पीड तकरीबन 95 माइल्स पर आवर होती है। नंबर 5 पे आता है यूरेशियन होबी। यूरेशियन होबी कॉन्टिनेंट अफ्रीका, यूरोप और एशिया में पाया जाता है और इसकी स्पीड तकरीबन 100 माइल्स पर आवर होती है। नंबर 4 पे आता है वाइट थ्रोटेड नीडल टेल। वाइट थ्रोटेड नीडल टेल साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में पाया जाता है और इसकी स्पीड तकरीबन 105 माइल्स पर आवर होती है। नंबर 3 पे आता है गेयर फैल्कन। गेयर फैल्कन कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में पाया जाता है और इसकी स्पीड तकरीबन 130 माइल्स पर आवर होती है। नंबर 2 पे आता है द गोल्डन ईगल। दोस्तों, गोल्डन ईगल जो है नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और दोस्तों इसकी स्पीड तकरीबन 200 माइल्स पर आवर होती है। नंबर 1 पे आता है पेरेग्रीन फैल्कन। दोस्तों, पेरेग्रीन फैल्कन जो है अंटार्कटिका के सिवा बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है और दोस्तों इसकी स्पीड जो है तकरीबन 242 माइल्स पर आवर होती है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि मैं दूसरे कौन से कंटेंट पे वीडियो बनाऊं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।